हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी चीज़ का है 15वां दिन। जी हाँ, और जो दो पिलर रह गए थे वो मैंने बढ़ा दिए आज। दो दिन काफ़ी बारिश रही, तूफान काफ़ी आया, जिस कारण बच्चा काफ़ी डर चुका है। और अभी बच्चे को काफ़ी टाइम लगेगा रिकवरी होने में। जी मतलब कि आप सोच सकते हैं कि पर डे के हिसाब से हमारा बर्ड 30 ग्राम 40 ग्राम पीछे रह गया है। जी और फीड दो दिन बहुत कम खाई क्योंकि तूफान आंधी आता रहा और बारिश के कारण आवाज़ बहुत आती है, वो जैसे जैसे हवा आती तरपाल ऐसे ऐसे हिलती है, जिसके कारण बच्चा काफ़ी डर गया। तो आज तो मौसम ठीक है, बच्चा काफ़ी डर गया जिस कारण, तो फीड कम खाई। तो जहाँ ये बहुत फीड खाता था आज कम खा रहा है। अभी मैंने फीड डाली है तो देखते हैं अब कैसे करेगा रिएक्ट। अगर फीड अच्छी खाएगा तो सबसे ठीक है। पता क्या, डर गया बच्चा काफ़ी दो दिन में, तो ग्रोथ ज़्यादा इतनी ले नहीं पाया। तो हमारा बर्ड कम से कम 30 ग्राम पर डे के हिसाब से पीछे चल रहा है अभी। यानी कि आप लगा लीजिए साहब, आज हमारा बर्ड कम से कम 500 ग्राम के लगभग होना चाहिए था, जो कि कल हमने वजन किया 450 ग्राम था। तो 500 ग्राम के ऊपर लगभग इसे आज होना चाहिए था, लेकिन अभी कम आ रहा है, 470 ग्राम 80 ग्राम ही बहुत मुश्किल से आ रहा है अभी हमारा बर्ड इसका वज़न। तो ये कम है, तो 30-40 ग्राम पीछे चल रहा है बर्ड हमारा। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम और आ गई हमारे फार्म में, कोक्सी की प्रॉब्लम। वो कोक्सी की प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि दो तीन दिन तूफान रहा, बारिश रही और पर्दे खुल नहीं पाए, तो पंजी लगा नहीं पाया, जिसके कारण ये गीला हो गया, बच्चा टाइट हो गया और गीला हो गया, एक तरफ चला जाता था वहाँ से गीला हो गया। वो गीले होने के कारण बच्चा वही बैठा रहता था, जितने भी हिलाने की कोशिश, मैं काफ़ी हिलाने की कोशिश करता लेकिन जो हिलता नहीं था वहाँ से, क्योंकि डर गया था बच्चा। तो उस कारण ज़मीन हमारी जो लीटर है गीला हो गया, जिस कारण हमारे फार्म में कोक्सी की जो है शिकायत आ गई। तो देखिए, देख सकते हैं आप, तो काफ़ी बर्ड में है ऐसा, काफ़ी बीट ऐसी हो गई है। तो इसको अब हम इसका इलाज करेंगे। तो इसका इलाज हल्दी है, आप हल्दी दे सकते हैं इनको। एक मेडिसिन और है एम्प्रोलियम, वो मैं बीच में ऐड कर दूंगा फ़ोटो की इसकी। एम्प्रोलियम वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो एम्प्रोलियम 1 ग्राम के हिसाब से देना है। जी हाँ, जैसे आपकी टंकी 1000 लीटर की टंकी है, उसमें कम से कम मतलब कि पूरा पैकेट डाल देना आप, आधा किलो का पैकेट होता है, पूरा डाल देना आप। वो आधा ग्राम 1 लीटर के पानी के हिसाब से चलती है, वो बहुत अच्छी है। तीन चार दिन चलेगी तो आपका बच्चे का बिल्कुल बीट वगैरह जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे अभी इसने बीट की है, वाइट बीट की है, लेकिन ये इक्वलाई नहीं है। इक्वलाई जो होती है वो CRD साउंड के बाद आती है। ये जो है कोक्सी की शिकायत है, बीच में रेड मतलब कि बीट है इसमें, ब्राउन सी, रेड सी है। तो इसका इलाज हमें करना पड़ेगा। तो ये पंजी नहीं लगी, दो तीन दिन देख ली, आप खुद देख लें, तीन दिन पंजी नहीं लगी तो गीला हो गया, जिसके कारण हमारे बच्चे में ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो कोई भी बीमारी है वो एक दिन से नहीं आती, तो उनको कम से कम 2-3-4 दिन लग जाते हैं आने में। तो 3 दिन से पंजी नहीं लगी, ये बीट रात की कर रहा है। रात दो दिन हमारी बारिश रही, 3 दिन बारिश रही, और ये बारिश रहने के कारण अपने पंजी नहीं लगी, तो दूसरा ये खुल नहीं पाया, क्या नाम उसका, वो खुल नहीं पाया, पर्दे खुल नहीं पाए, तो बहुत मुश्किल हो गया इसके कारण। तो बाकी देखते हैं, अभी इसका इलाज करना पड़ेगा। काफ़ी हो, देखो काफ़ी है, हम प्रॉब्लम देंगे उसके कारण ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फीड तो बहुत कम खा रहा है ये, दो दिन से इसने फीड नहीं खाई, बहुत कम फीड खाई है। अभी मैंने कुछ कट्टे डाले हैं, कहाँ 16-16, 17-17 कट्टे फीड के डलते थे, कहाँ आज 10-10 डाले हैं मैंने, 10 के साथ ही पूरा भर गया, आधी आधी फीडर में फीड थी। तो क्या कर सकते हैं, अभी मौसम में ऐसा था तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है ना, कुदरत का है ये सब कुछ, तो वो अपने तरीके से चलेगा कुदरत। तो इस तरीके से बाकी जो हमारा काम है फर्ज है वो तो हम करेंगे ही। अब मौसम लगभग अभी सारे मौसम ठीक है, आगे मौसम खुल चुके हैं। अभी मैं पंजी लगाऊंगा और पर्दे खोल कर अच्छे तरीके से,
पंजी लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ अच्छी तरीके से धूप निकल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि बीच बीच में हवा भी चल रही है, तो इनको अचानक से हवा देनी अच्छा नहीं है। दो दिन पर्दे बंद रहे। गैस वगैरह तो मैंने निकाल दी थी, गैस तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शुक्र मनाओ कि मैं गैस निकाल देता हूँ, अगर गैस ना निकालता तो लास्ट के वक्त लिफ्टिंग के 4-5-7 दिन पहले एसाइटिस की प्रॉब्लम के कारण इसका पानी भर जाता, एसाइटिस अमोनिया गैस के कारण एसाइटिस हो जाती, पानी भर जाता पेट में, और जिससे काफ़ी मोर्टैलिटी होती है और उसका कोई हल ही नहीं है जी। एसाइटिस का हल शुरू में हो तो हो, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोर्टैलिटी होती रहेगी। पेट का पानी एक दिन में नहीं भरता और काफ़ी टाइम लग जाता है भरने में, कम से कम 15-20 दिन लेता है, पेट में पानी भरता जाता है। कुछ तो जल्दी मर जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो पेट में पानी भर जाता है, फिर लास्ट के वक्त जब बड़ा हो जाता है तब मरना शुरू हो जाता है, तो तब नुकसान होता है हमें, तो इसलिए सचेत रहना पड़ेगा हमें। हर तरीके से लीटर सूखा रहना चाहिए, अमोनिया गैस नहीं बढ़नी चाहिए, पानी हमेशा साफ इनको देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपके फार्म में बीट पतली कर रहा है, जब लाल लाल बीटें कर रहा है, जैसे ब्राउन ब्राउन सी बीट हो जाती है, जैसे ये है ब्राउन ब्राउन सी, तो समझ लीजिए कि कोक्सी की शिकायत है। तो इसे क्या करना चाहिए आपको, एम्प्रोलियम मेडिसिन है वो देनी है, या फिर हल्दी देनी है, ये दोनों बेस्ट हैं। तो इसलिए मैं दोनों देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो मैं एम्प्रोलियम दूंगा, उसके बाद मैं हल्दी दूंगा। मुझे पता है, मैं पिछले बार भी ऐसा हुआ था, एम्प्रोलियम के साथ ही हमारा बर्ड ठीक हो गया था जी। तो बाकी ठीक है, हमारा बर्ड ओके है, तो बीमार तो नहीं है, एक्टिव है पूरा, भाग रहा है, खा कम रहा है, लेकिन पानी काफ़ी पी रहा है, काम ये अच्छा काम है कि पानी पी रहा है, ये सही है। तो बाकी हमारा बर्ड अभी उसको अपने आप में आने में टाइम लगेगा, कम से कम 1-1.5 दिन लग जाएगा अभी इसको, और तो फिर 1-1.5 दिन बाद ये अपने आप में रिकवरी कर लेगा, लेकिन जो वजन पीछे रह गया वो अभी मतलब कि साथ तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी तो बाकी FCR के हिसाब से तो बिल्कुल ओके होगा, लेकिन फिर भी हमारे 1-1.5 दिन बच्चा पीछे रह गया, अगर लगातार फीड खाता तो सही रहता। तो बाकी कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, चलते जाएंगे आगे, तो बाकी अच्छे तरीके से बच्चा हमारा रिकवर हो जाएगा, जो बीट की समस्या है वो भी रिकवर कर लेंगे हम। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सुबह से उठा हुआ हूँ मैं सुबह से, क्या रात का सोया ही नहीं हूँ मैं, रात का ही काम कर रहा हूँ। अभी 2 पिलर बढ़ाए मैंने, फीड डाली मैंने, बहुत कुछ काम किया, फीड भी अभी आनी है, फीड ख़त्म हो गई, फीड भी आएगी, इनमें मैंने काम कम डाली है, जब फीड आएगी फीड डाल दूँगा इनमें, तो आज का दिन तो हमारा निकल जाएगा फीड के, कल चाहिए फीड, तो कल, आज तो छुट्टी होगी ऑफिस में, संडे है, तो कल फीड आएगी उनकी। सबसे बढ़िया काम ये है कि वो खुद आते हैं, खुद फीड उतार कर चले जाते हैं, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, सबसे बढ़िया। वो लड़के भी काफ़ी अच्छे हैं जो फीड उतारते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि समझदार बंदे हैं और अच्छे हैं, इज्जत करते हैं, मतलब कि हम भी उनकी इज्जत करते हैं, वही हमारी इज्जत पूरी करते हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ चाहिए एक दूसरे का, तो ऐसे ही मतलब कि फार्मर खुश रहता है और जो बंदे आते हैं फार्म में वो भी खुश रहते हैं, तो दुखी रहकर करना भी क्या है हमने। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी जो भी आपका सुझाव होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कॉल के लिए अभी मैं उपलब्ध नहीं हूँ, क्योंकि कॉल मैं अभी नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मैं पंजी वगैरह लगाऊँगा, बर्तन साफ़ करूँगा, बहुत काम करने वाला पड़ा है, कल कॉल उठानी फिर से शुरू करूँगा, लेकिन व्हाट्सअप का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा, आप जितने मैसेज भी जाएंगे मैं ज़रूर व्हाट्सअप का रिप्लाई दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।